नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूदीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। छिंदवाड़ा जिले से अचानक दो बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। बच्ची अपनी मां से रुपए लेकर सामान खरीदने गई हुई थी, इसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस के सर्चिंग अभियान से पता चला कि वह अपने पिता के पास है। बच्ची से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे अपने पिता की याद आ रही थी, इसीलिए वह अकेली बस में बैठकर पिता के पास आ गई। वहीं दूसरी नाबालिग बच्ची साइकिल चलाने के दौरान गायब हो गई। पुलिस की टीम बच्ची को तलाशने में जुटी हुई है। मेरी बच्ची सुबह 9 बजे से घर से लापता है। साइकिल चलाने के लिए निकली थी और लौटी नहीं फिर वापस। कितनी साल की बच्ची थी, क्या नाम था? 11 वर्ष की है। साइकिल चला रही हूँ, मम्मी को बोल के गई थी साइकिल चला रही हूँ, उसके बाद लौटी नहीं। घर में कितने बजे उठी वो? बिस्तर से उठ के बाहर निकली और मम्मी बोले मैं साइकिल चलाने ऊपर जा रही हूँ, बोले इधर ऊपर रास्ता है ऊपर जा रही हूँ, बोले और मैं पानी भर रही थी इधर, ये रूम है यहाँ पे पानी भर रही थी मैं जी। ऊपर जा रही, मैंने बोली बेटा धूप पे साइकिल मत चला, मम्मी बोले 2 राउंड लगा के आती हूँ, बोले तो मैंने ठीक है जा। वो चप्पल पहनी उनने और ऊपर गई वो। तो 5 मिनट बाद मैंने देखी कि मेरी साइकिल की आवाज़ नहीं आ रही है, फिर मैं ऊपर गई देखने उसको, तो वो दिखी नहीं। वो मेरे को लगा मंदिर जाती है, वो मंदिर जाती पूजा करने, मंदिर में जाके देखी वहाँ भी नहीं दिखी। फिर आई, फिर ऊपर जाके देखी तो वो पीछे का गेट खुला था। तो रिसोर्ट में एक बच्ची थी लगभग 11 साल की, वो सुबह बिना बताए कहीं चली गई है। CCTV कैमरे और बाकी फुटेज वगैरह देखे हैं, उसमें वो पैदल अकेले जाती हुई दिखी है और अभी इसमें FIR कर ली गई है और जल्दी ही हम बच्ची को गिरफ्तार कर लेंगे। छतरपुर के विंध्यावासिनी तलैया के पास बीती रात ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। मृतक दिनेश गढ़ी मलहरा से अपने घर जा रहा था, तभी ये घटना घटित हुई। वहीं उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रोग्राम था होली वगैरह का, होली भराई का, तो वहाँ से वापस आ रहे थे। कहाँ से? गढ़ी मलहरा के पास से, पड़वा गाँव वहाँ से। फिर कहाँ पे घटना हो गई? फिर अपनी महुआ रोड पे खुद तलैया के पास, विंध्यवासिनी तलैया। विंध्यवासिनी क्या हुआ है वहाँ पे? वहाँ पे आ रहे थे, डंपर वाले ने मार दिया, ट्रक का पहिया चढ़ गया। जी, ऊपर पहिया भी चढ़ गया। हाँ, फिर बस हम लोग फोन लगाया, हमने तो फोन दूसरे आदमी ने रिसीव किया। हम पहुँचे वहाँ पे, तो देखा तो बस स्पॉट ही पे खत्म हो गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिनी स्टेडियम पजेटी लानी में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिनी स्टेडियम पजेटी लानी का विस्तार एवं सौंदर्यकरण का कार्य किए जाने, पेयजल की समस्या को दूर करने, पेयजल योजना का निर्माण व फटेऊ गाँव से डांडा छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। धर्मनगरी हरिद्वार में कल गुरुवार को गंगा दशहरा स्नान किया जाएगा। गंगा दशहरा के साथ निर्जला एकादशी का पर्व भी होने से लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने व्यापक रूप में ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जो आज रात 2 बजे से लागू हो जाएगा। ये ट्रैफिक प्लान 9, 10 और 11 जून तक लागू रहेगा। वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिल्ली की तरफ से आने वाली बसें और ट्रैक्टर ट्रॉली को ऋषिकुल मैदान में पार्क किया जाएगा। अल्मोड़ा में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 6000 की आबादी वाले खत्याड़ी क्षेत्र में 4 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो हाईवे में चक्का जाम किया जाएगा। पानी दे रहा 10 बजे रात में हम दिया, लोग ऐसे पानी भरे, बच्चे तो अपना भर लेंगे, हम लोग तो ऐसे रह जा रहे, टंकी हमारी खाली रह जा रही, टंकी में बिल्कुल पानी नहीं चल रहा है। कोई मोटर लगा ले रहा, कोई कुछ लगा ले रहा, सबके घर के मोटर को भी चेक करना चाहिए, पानी दिन में खोलना चाहिए टाइम पर। और ऐसी पानी कौन खोलेगा भैया, ये बताइए। काम करेंगे हम, ऑफिस में ताला लगाएंगे, ये या तो हमारी मांगे पूरी करो। सरकार तो पैसा हमके दम के दे दिया, पानी दे नहीं दी, हर को 1 रुपये में पानी देंगे, पानी दे रहे हैं हमको, 100 रुपये महीना बना दिया साल का,
एक माह से जो है पानी की आपूर्ति से प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 6,000 की आबादी है। 3 दिन में 1 दिन ये पानी दे रहे हैं, उसका भी कोई टाइम नहीं है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 दिन में 1 दिन पानी दे रहे हैं, वही पूर्ण रूप से पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब कई बार हमने विभागीय अधिकारियों को अवगत करा चुका है, उनको लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी, उसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है, जिसमें मजबूरन हमको आज ग्रामीणों के साथ यहाँ पर तालाबंदी करने के लिए आना पड़ा। खटीमा कुटरा गांव में एटीएम गार्ड की मौत का मामला सामने आया है। इसमें खुलासा हुआ है। बता दें कि सीबीआई ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि लगभग 3 वर्ष पूर्व एटीएम गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी तथा गार्ड का शव कुटरा गांव में उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत की थी। 2019 में जिसकी मृत्यु राम कुटरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों द्वारा कटीमा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी। प्रारंभिक जांच के बाद इसकी विवेचना सीबीएसई के सुपुर्द कर दी गई थी। अभी सीबीएसई द्वारा साक्ष्य संकलन कर और इस मुकदमे में 3 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको मानने वाला पेश किया है। जसपुर पुलिस ने 2 पहिया वाहनों पर लगे तेज ध्वनि के हॉर्न व बुलेट मोटरसाइकिल पर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि तेज आवाज वाले हॉर्न से जनता बहुत परेशान है, जिस पर कोतवाल ने कहा कि ये अभियान लगातार चलता रहेगा और नगर में तेज आवाज वाले हॉर्न व बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे की आवाज नहीं सुनाई देगी। रेट्रो साइलेंसर जो बुलेट में रेट्रो साइलेंसर लगा रखे हैं लोगों ने, उनके ऊपर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल हमने 7 मुक्ता की खबरी उनके सभी का चालान किया गया और उनकी साइलेंसर को चेंज कराकर उनमें जो ओरिजिनल साइलेंसर कंपनी का होता है वो लगवा दिया, क्योंकि रेट्रो साइलेंसर से जो आवाज़ निकलती है उससे हार्ट पेशेंट को या जो भी हमारे बुजुर्ग वार हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उससे ये बच्चे जो हैं ये उसकी स्पीड बढ़ाकर उसकी आवाज़ ज़्यादा करते हैं और उससे एक पटाखे जैसी आवाज़ निकलती है, जिससे बीमार आदमी को और वृद्ध व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की रैतौली में निर्माणाधीन एडिट टनल 7 पर हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए कर्मचारी और मजदूरों ने सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की। आगरा के गांव अभयपुरा में गोली चलने से दहशत का माहौल फैल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रणवीर सिंह अपने प्लॉट पर बैठा हुआ था व अन्य युवक ने आकर रणवीर से झगड़ा शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने मामला रफा दफा कर दिया, परंतु पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक बार फिर रात 12 बजे रणवीर के घर पर आकर कई फायरिंग की। फायरिंग करके गई थी। इसकी सूचना पुलिस को दी थी? भाई ने दी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे उन्होंने चेकिंग की होगी उधर उधर जा करके, फिर घर में आकर के पापा से गैतमी से बोल रहे, मम्मी से बोल रहे थे, ढक्का उक्की कर रहे थे पिताजी से, घर में घुस गए 2 बजे। कौन कर रहे थे? पुलिस वाले। और घर में घुसने के बाद मतलब मिसबिहेवियर कर रहे, बच्चों को एक बार उठा गए। ऐसा था कि मेरे पिताजी प्लॉट पे बैठे हुए थे शाम के टाइम 5 बजे करीब, सेठी नाम का आके दारू पी के मेरे पिताजी से थाप थप्पड़ करके और तमंचे से बैंट दे गया था, और फिर आके हमने तहरीर दे दी एसओ साहब को। एसओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद तहरीर देने के बाद 12 बजे उसका उम्मीद आया दारू पी के और 4-5 लोग और आए, यहाँ से फायरिंग करके गए मेरे द्वार पे। आगरा में दामाद ने कैंची से अपनी सास पर हमला कर दिया। मामला शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का है, जहां शराब के नशे में ससुराल पहुंचे युवक ने पत्नी के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक ने सास पर भी कैंची से हमला किया। घायल युवती को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई बात नहीं, सब इतना भी थी, 4-5 दिन पहले मेरे को कर गए थे घर पर, पूरा आगे बजे दारू पीते थे, मारपीट करते थे। घर में किए? मेरे घर में। किस चीज़ से हमला किया? चाकू से किया है और उससे क्या कैंची से। मैं तो सो रहा था खेत पर और 12 बजे के बाद मुझे 12 बजे फोन पर फर्क नहीं है, तो तुम कहाँ सो रहे? मेरे खेत पर सो रहे हैं। किसने पूछा था? जिंदगी मेहमान ने पूछी है। फिर
सही फिर भी चले आए 12 बजे करीब मेरे घर पर कुछ नहीं बिल्ले हलवा खड़े हो चक्कू से गोदाबाजी करी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरकारी परिसर भी दबंगों का अड्डा बना हुआ है। बता दें कि जिला उद्योग केंद्र परिसर स्थापित डाक घर को निजी वाहन स्टैंड बना लिया है। वे अपने दर्जनों वाहनों को डाक घर के अंदर खड़ा करते हैं, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियां होती हैं। जब इस संबंध में उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि ये मामला आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, जांच करवा कर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पोस्ट ऑफिस की बात आप कर रहे हैं, ये अभी कहीं से कोई शिकायत पत्र किसी ने संज्ञान में लाया नहीं हमारे, आपके द्वारा ये अवगत कराया जा रहा है। हम अपने संबंधित स्टाफ को भेज के वस्तुस्थिति से आपको अवगत करा देंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो उनके खिलाफ निश्चित तौर से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर पुलिस सोशल मीडिया पर पूरी एक्टिव है, जिसको लेकर आज SSP आकाश तोमर ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले भी पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट का इस्तेमाल न करें। देखिए, शासन के भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और मेरे द्वारा भी सभी थानाध्यक्षों और पुलिस के सभी अधिकारियों को बताया गया है कि कोई भी किसी भी पक्ष का व्यक्ति कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए कुछ आपत्तिजनक प्रोवोकेटिव वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ वायरल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोनों ही पक्ष जितने भी हैं उनके खिलाफ भी हमने पूर्व में जो कुछ भी घटनाएँ ऐसे करी हैं, कुछ वीडियो या ऑडियो वायरल किए हैं या कुछ आपत्तिजनक चीज़ किसी धर्म विशेष के विरुद्ध सोशल मीडिया पर लिखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी करी है, आगे भी ये जारी रहेगी। बेमित्रा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कोर कमेटी के सदस्यों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जहां पर जिला मुख्यालय में होने वाले एक दिवसीय चिंतन शिविर के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बेमित्रा में कांग्रेस पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाना है। आज हम लोग अपने जिला के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा साथी लोग यहाँ जो बेमित्रा में संकल्प शिविर एक दिवसीय संकल्प शिविर होना है उसके संबंध में यहाँ आज बैठक आयोजित की गई है। उसमें जो संकल्प शिविर है उसमें हमारे मंत्री श्री अरविंद चौबे जी एवं श्री ताम्रध्वज साहू जी व हमारे प्रभारी श्री जितेंद्र साहू जी और हमारे दोनों विधायक आशीष छावड़ा एवं गुरदास सिंह बंजारे की उपस्थिति में एक दिवसीय संकल्प शिविर रखा जाएगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसमें से व्यापारी ने एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया, बाकी 5 बदमाश सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। ये घटना देख नागरिकों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस भी उनसे सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा। दुकान पे सीधे साधे बैठे थे, 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने थे, तीन तीन जने बैठे हुए थे गाड़ी पे, और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी के अंदर घुस गाड़ी पे से उतर के दुकान में घुसे और तीनों पे कट्टे थे। तीनों ने ताने हमारे पर कहने लगे सामान भरो। मैंने उनको मुंह को देखा, मैंने कहा क्या हो रहा, तो मैं उनकी तरफ को देखने लगा, उन्होंने मेरे 1-2 मुक्के उक्के मारा और उसके बाद उन्होंने पिस्तल कट्टे तान रखे थे मेरे पे, तो मैं थोड़ा सा आने कानी सी कर रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, तो इतनी देर में उनने एक ने मेरे सिर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की, और उसके बाद जो है बस मैं भरता भरता मैंने सोचा थे तो सब हमारा सारा सामान ले ही जाएंगे, मैंने जो है उसको बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया। एक रात को घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुआ था और उसके तुरंत बाद जिसका जैसे ही खुलासा होता है दूसरे दिन ये घटना होती है, दिन दहाड़े ये घटना हुई है। ये तो मैं इस अपने अमन भाई की जो है बहुत बड़ी हिम्मत है, जो इन्होंने अपनी चोट को ना देखते हुए हथियार को ना देखते हुए उस बदमाश पे हमला किया, जिसकी वजह से एक बदमाश पकड़ा गया। देखिए, इस बार जो घटना हुई है उसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने साहस का परिचय दिया, उनको चोट भी आई उसके बावजूद भी एक बदमाश को पकड़ लिया है और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी बाकी भी बदमाश हैं उनको पकड़ा जाएगा।
उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दो दिन उत्तराखंड बहुत ही गर्म रहने वाला है। हालांकि 10 से 12 जून तक मानसून भी उत्तराखंड में दस्तक दे देगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी से ही तैयारियों में जुट चुका है। आपको बताते चलें कि मानसून आने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक भी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर दून अस्पताल के CMS KC पंत ने बताया कि मानसून आने से पहले उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे समय पर फुल बाजू के कपड़े पहने और अपना बचाव करें। मच्छर होता है वो एडीडी एडिप्टाई, वो शाम के समय काटता है और वो थोड़ा सा पानी के जमाव में होता है। तो अभी तो फॉर्चुनेटली कोई बारिश ऐसा हुआ नहीं है, पानी का जमाव भी नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए क्योंकि आने वाले मौसम में जून जुलाई अगस्त में ये केसेस हमको देखने को मिलेंगे। जब पानी बरसना शुरू हो जाएगा और वाटर लॉगिंग शुरू हो जाएगी तो उसमें हम डेंगू के लिए, क्योंकि पहले भी हम कई इसकी एंडेमिक झेल चुके हैं। खबर कटनी से है, जहां नगर निगम के 45 वार्डों में इन दिनों पानी को लेकर आमजन परेशान है। निगम कमिश्नर ने स्वीकार भी किया है कि बैराज में पानी नहीं है और बरसात कम हुई है, जिससे जल भराव बैराज में नहीं हुआ। तो सवाल खड़ा होता है कि वार्ड वासियों को पानी की सहज और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो पर्याप्त रूप से पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। वही इन दिनों चुनाव का माहौल है और ऐसे में क्षेत्रीय नेताओं में पानी की समस्या को कब सुलझाते हैं, फिलहाल देखने वाली बात होगी। बारिश 50% से भी कम हुई है। बारिश कम होने के कारण जमीन का जलस्तर और नदी दोनों सूखने की कगार पर है। नगर निगम द्वारा एनीकट से और बराज से दोनों से ही पानी लगातार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आगे चल के भविष्य में बराज का पानी सूखने की संभावना है। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम के 60% वार्ड ऐसे हैं जिनका कि बराज से पानी निकल जाता था और उसको एक दिन छोड़कर पानी लेने की व्यवस्था भी नगर निगम ने पानी के संकट को देख के की हुई थी। जहाँ पर पानी का संकट ज़्यादा रहेगा उन सभी जगह पर भूमिगत एक बोर कराने का नगर निगम ने फैसला किया है और लगभग 100 के आसपास बोर नगर निगम सभी ऐसी क्षेत्रों में करा रहा है जहां पर भी पानी का संकट है। ग्वालियर के CRPF कैंप में जम्मू से पद उन्नति ट्रेनिंग पर आए जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जवान जब पनिहार स्थित CRPF कैंप में ट्रेनिंग कर रहा था, उसी दौरान जवान की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद जवान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जवान को 106 डिग्री पर बुखार पाया गया, जिसके चलते जवान ने इलाज के बाद दम तोड़ दिया। जवान की मौत हीट स्ट्रोक के चलते होना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये CRPF कैंप जो कि ग्वालियर ज़िले में पनिहार बड़ा गांव के पास स्थित है, यहाँ पे जम्मू का एक जवान था जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में था और जो पदोन्नति कोर्सेज होते हैं प्रमोशनल कोर्सेज में यहाँ पे आया हुआ था और उसकी कोर्स के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसमें मर्ग कायम करके उसका PM कराया गया है। प्रारंभिक तौर पे अभी जो जानकारी है हीट स्ट्रोक से उसकी मृत्यु होना बताया जा रहा है, किंतु अभी PM रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। PM रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए MK News। नमस्कार।